तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उन टॉप 10 फिल्म्स के बारे में जिसे IMDb पर अब तक सबसे ज्यादा रेटिंग मिल चुके हैं। तो क्या ये फिल्में वर्थ टू वॉच है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द फेलोशिप ऑफ द रिंग ये एक एपिक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है पीटर जैक्सन ने। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं जो कि बेस्ड है नॉवल पर जिसे J.R.R. टोल्किन ने लिखा था। आपको बता दें कि टोल्किन के लाइफ पर बेस्ड एक फिल्म भी रिलीज हो चुकी है जिसे 2019 में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज किया गया था। द फेलोशिप ऑफ द रिंग की बात करें तो फिल्म में दिखाया गया है कि फ्रोडो जो कि एक यंग हॉबिट है उसे एक रिंग मिलती है जो कि डार्क लॉर्ड सैरॉन से संबंधित होती है। फ्रोडो इस रिंग को नष्ट करने के लिए माउंट डूम के जर्नी पर निकल जाता है अपने 8 दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है तो ये एक बेस्ट टाइम है इस फिल्म को देखने का। इस फिल्म के 3 पार्ट्स हैं, द फेलोशिप ऑफ द रिंग, द टू टावर्स और द रिटर्न ऑफ द किंग। आपको बता दें कि द रिटर्न ऑफ द किंग शायद अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है जिसका रन टाइम 4 घंटे 11 मिनट है। द गुड द बैड एंड द अगली ये एक इटालियन वेस्टर्न फिल्म है जिसे 1966 में रिलीज किया गया था। फिल्म में दिखाया गया है कि सिविल वॉर के दौरान 3 लोग ब्लॉन्डी टुको और एंजल आइज खजाने की तलाश में होते हैं और इस रेस में कौन आगे निकलता है इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये एक मास्टरपीस फिल्म है जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। पल्प फिक्शन एक क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है क्वेंटिन टेरेंटिनो ने जिन्होंने हाल ही में वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड को डायरेक्ट किया था। बात करें अगर पल्प फिक्शन फिल्म की तो इस फिल्म में 3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से स्टोरी दिखाई गई है जिसकी पहली स्टोरी मॉब कॉन्ट्रैक्ट किलर विंसेंट वेगा पहली कहानी के नायक है, दूसरी स्टोरी में प्राइस फाइटर बुच कूलिज दूसरी कहानी के नायक है और तीसरी स्टोरी में विंसेंट का साथी जूल्स विनफील्ड तीसरी स्टोरी का नायक है। इस फिल्म में टोटल 7 नैरेटिव सीक्वेंस है और अगर इन सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट किया जाए तो सबसे पहले 4A जिसमें कि हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है, फिर 2nd 6 1 7 4B जिसमें कि हमें प्रेजेंट दिखाया गया है, इसके बाद 3rd और 5th। तो इस तरह से आप इन 7 एपिसोड्स को समझ सकते हैं। इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर ने हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि हमें गलत राह को नहीं अपनाना चाहिए। आप इस फिल्म को देख सकते हैं अगर आपको क्राइम बेस्ड फिल्म्स देखना पसंद है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग ये फिल्म द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स सीरीज की 3rd पार्ट है जिसके लिए आपको इस सीरीज के दोनों पार्ट्स देखने होंगे। सिंडलर्स लिस्ट एक अमेरिकन हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है स्टीवन स्पिलबर्ग ने जिन्होंने इंडियाना जोन्स और द एडवेंचरस ऑफ टिंटिन को भी डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में वर्ल्ड वॉर 2 में ऑस्कर शिंडलर की स्टोरी दिखाई गई है जब जर्मन उद्योगपति और नाजी पार्टी के सदस्य ऑस्कर शिंडलर ने पोलैंड में यहूदियों के उत्पीड़न के गवाह बनने के बाद अपने यहूदी कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की थी। अगर आपको हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म देखना पसंद है तो आप इस फिल्म को जरूर देखें। 12 एंग्री मैन ये एक कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है सिडनी लूमेट ने। इस फिल्म को सिर्फ एक छोटे से कमरे में शूट किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि एक लड़के के ऊपर उसके बाप के कत्ल का आरोप है और इसी को लेकर अदालत में केस चलता है और इसका फैसला होता है जूरी के हाथ में कि इस लड़के को छोड़ दिया जाए या फिर इसे सजा दी जाए। 12 लोग में से 11 लोग इस लड़के के खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इस केस को निपटाना था और दूसरे काम के लिए जाना था, लेकिन उनमें से एक शख्स जानता था कि एक जिंदगी कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या ये शख्स उस लड़के को बचा पाएगा? इसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। ये फिल्म काफी दिलचस्प है और आपको ये फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए। द डार्क नाइट एक सुपर हीरो फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर नोलन ने। फिल्म बेस्ड है डीसी कॉमिक्स कैरेक्टर बैटमैन पर जो कि सीक्वल है बैटमैन बिगिंस की, जिसके लिए आपको 2005 में आई बैटमैन बिगिंस को देखना होगा। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक सरफिरा जोकर गौथम शहर में क्राइम वापस लाना चाहता है, तो क्या बैटमैन गौथम शहर को बचा पाएगा? और ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। द गॉडफादर एक क्राइम फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है फ्रांसिस फोर्ड ने। ये फिल्म बेस्ड है एक नॉवेल पर जिसमें दिखाया गया है कि डॉन वीटो कॉर्लियोन एक माफिया फैमिली का हेड है और वो डिसाइड करता है अपने एम्पायर को अपने यंग बेटे माइकल को देने का, और ये डिसीजन क्या पूरे फैमिली की जान खतरे में डाल देगी ये तो आपको इस फिल्म में ही पता चलेगा। आपको बता दे कि द गॉडफादर 3 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है और IMDb पर इस फिल्म को टॉप 2 में रखा गया है।
नंबर वन पर है द शॉशैंक रिडेम्पशन। द शॉशैंक रिडेम्पशन एक क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है फ्रैंक डेराबोंट ने। ये फिल्म बेस्ड है स्टीफन किंग के नॉवेल पर, जिसमें दिखाया गया है कि एक बैंकर एंडी, जिसे अपने वाइफ और उसके लवर के कत्ल करने के आरोप में उम्र कैद हो गई है। तो क्या ये आरोप सच है, और अगर नहीं तो एंडी इन सब से कैसे बाहर आएगा, वो तो आपको इस फिल्म को देखने के बाद ही पता चलेगा। आईएमडीबी पर ये फिल्म नंबर वन पर ही डिजर्व करती है, और आप लोग में से कई लोग इस फिल्म को देख भी चुके होंगे। तो ये थी वो फिल्म्स जो आईएमडीबी के टॉप 10 लिस्ट में आते हैं। आप इन फिल्मों में से कौन कौन से फिल्म्स देख चुके हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।